आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिरसुल रोग यानी सिर के में दर्द होना, इसी का एक बहुत अच्छा और सरल उपाय बताला रहा हूँ, आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने प्राचीन ग्रंथ में इसका वर्णन किए हैं और इसका वर्णन किए हैं, इसी को आज मैं जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। तो जटामासी, जटामासी का गुण जो है लघु है, लघु का मतलब खाने के बाद तुरंत जो है पच जाता है और स्निग्ध है, शरीर में चिकनाहट पैदा करता है, स्निग्धता पैदा करता है। रस में आपको तिक्त है, कसाय है और मधुर है, यानी स्वाद में जो है तीता है, कसैनी है और मीठापन है आपको। और विपाक में, विपाक के मतलब होता है औषधि खाने के बाद पच जाने के बाद अग्नि को, यानी पेट में जितने भी अग्नियां हैं उसको जो है प्रज्वलित करता है, यानी तेज करता है, भूख को बढ़ाता है, एनर्जी को पैदा करता है और शरीर में कटुता उत्पन्न करता है। वीर्य में यानी तासीर में यह जो है अंडा है, स्निग्ध होने से पाद दोष को सदा के लिए नष्ट करता है और शीत और पित्त कषाय मधुर होने से पित्त दोष का सदा के लिए समाप्त करता है और पित्त कषाय होने से कफ दोष को सदा के लिए समाप्त कर देता है। और हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने तीन दोष का आयुर्वेद में वर्णन किए हैं, तीन दोष का वर्णन किए हैं, पात और पित्त कफ, यानी तीन दोष हैं और तीन दोष के चलते ही रोग का उत्पत्ति हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने इसे माने हैं। इसी का एक बहुत अच्छा और सरल उपाय बतला रहा हूँ आपको। जटामासी का जड़ को चूर्ण कर लीजिए और नियमित रूप से खाते रहने से सिर का दर्द जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है और चाहे पुरुष को दर्द हो या स्त्री के दर्द हो, वह सभी में यह औषधि बहुत प्रसिद्ध औषधि है। सिर के दर्द के लिए हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने इसे प्रसिद्ध माना है और यह औषधि जो है बहुत अच्छा है और मस्तिष्क के सभी नाड़ियों को यह जो है शक्ति प्रदान करता है और मजबूती प्रदान करता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करें और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी।